हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गौरव जॉब फिटनेस में। तो भाई लोग, आज मैं बताऊंगा चेस्ट एंड बाइसेप्स का वर्कआउट। घर पे आप लोग कैसे अपने चेस्ट और बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो। इस बार मैं अलग वेरिएशन लाया हूँ। आपको क्या करना है, चेस्ट एक्सरसाइज एक सेट खत्म करना है, फिर उसके बाद करना है बाइसेप्स का, फिर चेस्ट, फिर बाइसेप्स, ऐसे करके आपको एक्सरसाइज करना है। रेस्ट कम रहेगा आपके, कोई भी एक मसल पार्ट आपका ज्यादा टाइम रेस्ट में नहीं रहेगा। एक सेट लगाएंगे चेस्ट का, फिर लगाएंगे बाइसेप्स का। तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना गौरव जॉब फिटनेस। किसी तरह क्वेरी हो तो जरा के पूछ सकते हो आप लोग डीएम करके। ठीक है भाई लोग, तो चलते हैं। पहला एक्सरसाइज हमारा होगा जिसमें कि हम लगाएंगे वाइड ग्रिप पुशअप्स ईंट की मदद से। ईंट से थोड़ा हाइट मिल जाता है तो हमारे चेस्ट पे फोकस करना आसान हो जाता है। तो वाइड ग्रिप में पहला हमारा एक्सरसाइज होगा वाइड ग्रिप चेस्ट का एक्सरसाइज करेंगे। पहले चेस्ट को वार्म अप करेंगे वाइड ग्रिप पुशअप से। ठीक है, जाना है वही स्लोली जाना है। रिपीटेशन ज़्यादा रहेगा हमारा 15, 20, 25, जितना आपका स्ट्रेंथ हो, जिससे कि आपको वार्म अप महसूस हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पहला एक्सरसाइज होगा हमारा चेस्ट का। पहला एक्सरसाइज अब हम करेंगे बाइसेप्स का। पहला एक्सरसाइज बाइसेप्स का होगा, हम अंदर वाले पार्ट पे दोनों हीट को रखना है सामने इस तरह से, फिर ऑल द वे अप, फोकस रहेगा अंदर वाले पार्ट पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा चेस्ट बाइसेप्स का पहला एक्सरसाइज हो गया। फिर आ जाएंगे चेस्ट पे। अब लगाने हमने क्लोज ग्रिप पुशअप्स। अभी हम बाइसेप्स और चेस्ट एंड बाइसेप दोनों को साथ साथ ट्रेन कर रहे हैं, दोनों हमारा अच्छा खासा पंप हो जाएगा, कोई मसल ज़्यादा रेस्ट में नहीं जाएगा। चेस्ट क्लोज ग्रिप पुशअप्स, इस तरह ईंट को रखना है आपको, डायगोनली रखना है, जिससे कि आप प्रेशर अच्छा से बना सको अपने चेस्ट पे, और इससे आपका इनर चेस्ट भी तगड़ा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज हो गया चेस्ट का। हमारा चेस्ट अच्छा से पंप हो रहा है इस एक्सरसाइज से। अब आ जाता है फिर बाइसेप्स पे। बाइसेप्स पे लगाना है क्लोज ग्रिप वाला पुशअप्स, दोनों हीट को रखना है साथ में, फिर ऑल द वे। अभी हम क्लोज ग्रिप टारगेट कर रहे हैं दूसरा एक्सरसाइज बाइसेप्स का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमारा बाइसेप्स का दूसरा एक्सरसाइज हो गया। अब हम लगाएंगे चेस्ट प्रेस। ठीक है, चेस्ट प्रेस स्लोली स्लोली 15-20 रिपीटेशन हमारा चेस्ट का तीसरा एक्सरसाइज, फिर उसके बाद लगाएंगे बाइसेप्स का एक्सरसाइज। तो चेस्ट प्रेस में बताइए आप लोग क्या करना है। चेस्ट प्रेस में बस जिस तरह आप लोग डंबल से लगाते हो चेस्ट प्रेस जिम में, उसी तरह आपको लगाना है। स्लोली स्लोली ऊपर जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, फोकस रहेगा पूरा चेस्ट पे। अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऊपर जाके स्क्वीज करोगे चेस्ट को, अच्छा फील हो पाएगा। ये हमारा चेस्ट का हो गया, चेस्ट का हो गया हमारा तीसरा एक्सरसाइज। अब हम करेंगे बाइसेप्स का। बाइसेप्स पे आ जाएंगे हम, बाइसेप्स के अंदर वाले पार्ट से आ जाएंगे इसके गोलापन पे। ठीक है, इसके राउंडनेस पे कैसे काम करेंगे हम, तो इस तरह से फोकस रहेगा पूरे हमारे बाइसेप्स मसल पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हमारा बाइसेप्स का हो गया अगला एक्सरसाइज, जिससे कि हम बाइसेप्स के गोलापन पे काम किया। अभी अंदर वाले पार्ट से अब आ जाएंगे गोलापन पे। हमने चेस्ट प्रेस किया तीसरा एक्सरसाइज चेस्ट का, अब हम करेंगे फिर चेस्ट का एक्सरसाइज दूसरा, जिसमें कि हम इनर चेस्ट को ट्रेन करेंगे, दोनों हीट को साथ में रख के, और अपर चेस्ट को पहले ट्रेन करेंगे फिर इनर चेस्ट पे जाएंगे अगले एक्सरसाइज में, क्योंकि अपर चेस्ट हमारा ज़्यादा विजिबल होता है और अपर चेस्ट दिखने में भी अच्छा लगता है। अगर आप टी शर्ट पहनते हो या फिर कोई आप अच्छा सा फिटिंग कपड़ा पहनते हो तो उस पर आपका अपर चेस्ट का ज़्यादा अच्छा ज़्यादा रोल होता है अच्छा दिखने में। तो करते हैं अपर चेस्ट को ट्रेन, इस तरह ही रखना है इसको, फोकस अपर चेस्ट पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हमारा अपर चेस्ट हो गया चेस्ट का चौथा एक्सरसाइज। फिर आ जाएंगे बाइसेप्स पे। बाइसेप्स पे आप इससे आ जाएंगे बाहर वाले पार्ट पे, हैमर करंट स्लोली स्लोली, एल्बो पीछे नहीं रहेगा, एल्बो स्टेबल, कोई मूवमेंट नहीं आपका शोल्डर से, कोई मदद नहीं, सिर्फ बाइसेप्स के बाहर वाले पार्ट से इसको लिफ्ट करोगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
राइट, ये हमारा हो गया भाई लोग बाइसेप्स का अगला एक्सरसाइज। फिर आ जाएंगे चेस्ट पे, चेस्ट के इनर मसल इनर पार्ट पे ट्रेन करेंगे, इनर चेस्ट को ट्रेन करेंगे, दोनों हिट को करेंगे कंबाइन। फोकस रहेगा पूरे इनर चेस्ट पे, अंदर वाले चेस्ट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा चेस्ट अच्छे से ट्रेन हो रहा है, अच्छे से पंप हो रहा है, आप लोग देख सकते हो साथ साथ बाइसेप्स भी पंप हो रहा है। तो अगला एक्सरसाइज करेंगे फिर बाइसेप्स के लिए। बाइसेप्स के लिए आप कंसंट्रेटेड कर लगाना है अपने, जिसमें कि आपका हाथ पूरा रहेगा नीचे, ठीक है। सिर्फ आपको बाइसेप्स की मदद से अपने वेट को लिफ्ट करना है, एक्सरसाइज चेस्ट के तुरंत बाद करना है, रेस्ट बहुत कम रखना है, चेस्ट रखना ही नहीं है सारी सेट के बीच में इस तरह। 1 नी पे नहीं रखना है, हेल्प नहीं कोई नी का। 2 3 4 5 दूसरे साइड से भी। 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया बाइसेप्स का और चेस्ट का एक्सरसाइज। लास्ट में आप चेस्ट को स्क्वीज करोगे, अपने चेस्ट को स्क्वीज करोगे, बस पूरे फोकस रहेगा हमारे चेस्ट पे। और इसमें हेल्प लेंगे हम एक ईंट का, ईंट को रखेंगे सामने, फिर हम करेंगे चेस्ट को स्क्वीज। जितना स्क्वीज करोगे उतना अच्छा लास्ट में आप इससे रिजल्ट निकाल सकते हो। पांच से छह बार आप ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन रखने का कोशिश करो टाइम। लास्ट में फिनिशर की तरह इसको रखोगे, जिससे कि आपका चेस्ट बड़ा अच्छा सा पंप हो जाएगा, तगड़ा सा लगेगा जब आप एक्सरसाइज खत्म करोगे तो। और एट लास्ट बाइसेप्स में क्या करना है, सेम चीज बाइसेप्स में भी करना है आपको। इधर लाके यहाँ पे लाके बस बाइसेप्स में होल्ड करना है बस। जितना टाइम होल्ड करोगे उतना अच्छे से आप स्क्वीज करोगे अपने बाइसेप मसल को, उतना प्रेशर डाल पाओगे अपने बाइसेप मसल पे, टेंशन से उतना टेंशन से काम कर पाओगे। बस होल्ड रखना है यहाँ पे 90 डिग्री के आसपास रखना है आपको, होल्ड करके रखना है, बस आपका बाइसेप्स भी अच्छे से पंप हो जाएगा। तो एक्सरसाइज है भाई लोग, चेस्ट और बाइसेप्स को ट्रेन करो घर पे, साथ साथ आपको रेस्ट कम से कम रखना है, एक चेस्ट का एक्सरसाइज फिर दूसरा बाइसेप्स का एक्सरसाइज, इस तरह करके आप वर्कआउट तैयार करो और अच्छा से चेस्ट और बाइसेप्स डे आपका अच्छा से दोनों को पंप करो उस दिन, और अच्छे से अपने बाइसेप्स और चेस्ट को ग्रो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो कर देना, ठीक है भाई लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी।